हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी आरसीएम सेल, अगर आपके सेल पे आरसीएम अप्लीकेबल है तो जीएसटी आर1 के अंदर कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, आई मीन जीएसटी आर1 के अंदर कैसे सेल दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टल में, यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ, मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। आपके डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाने के बाद आपको पे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको फाइल आइटम, फाइल आइटम में जाने के बाद आप यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड करने के लिए भी थर्ड क्वार्टर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन अक्टूबर, देन सर्च। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी आर1 का दिख रहा होगा, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन में जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा जो है 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी हम करते हैं वो हमारी जो भी इनवॉइस हम ऐड करते हैं इसके अंदर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको B2B के कॉलम में क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी इनवॉइस की डिटेल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, मैंने कॉपी कर रखा है, शायद कॉपी नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया, नेम हमारा ऑटोमेटिक आ गया। तो आपको आरसीएम के अंदर सेल शो करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। इसका मतलब है कि आपकी जो सेल है वो आरसीएम के अंदर कवर होती है, तो आपको इस पर टिक करना है। तो हम यहाँ पे आरसीएम की बात कर रहे हैं तो हम इस पर यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर टिक करने से क्या होगा, हमारा हमारी सेल जो आरसीएम के अंदर जाएगा जीएसटी आर1 के अंदर। दूसरी बात, आरसीएम के अंदर क्या होती है, जो लाइबिलिटी बनती है टैक्स की वो रिसिपेंट का बनता है, हमारी यहाँ पर नहीं बनेगी। तो हमारे जीएसटी आर3 के अंदर कोई भी लाइबिलिटी इस इनवाइस के अगेंस्ट नहीं बनेगी जो हम आरसीएम के अंदर शो कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आरसीएम का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया, देन मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर डाल देता हूँ, देन इनवाइस डेट और इनवाइस टोटल वैल्यू मैं यहाँ पे रफली डाल देता हूँ कुछ भी। देन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, और जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी कितने किस रेट के अंदर कवर होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे 5%, 12%, 18%। तो हम यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं हमारा जो है 18% के अंदर कवर होता है, हमारे टैक्सेबल वैल्यू मान लेते हैं 45,000। तो हमारा यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, बट ये हमारी जीएसटी आर3 के अंदर लाइबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि हम अपने सेल को जीएसटी, सॉरी आरसीएम के अंदर शो कर रहे हैं। और आरसीएम के अंदर आपको पता है कि लाइबिलिटी बनती है टैक्स की वो रिसिपेंट का बनता है, तो हमारी लाइबिलिटी जीएसटी आर3 के अंदर नहीं बनेगा। आप यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि टैक्स कैलकुलेट हो रहा है तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी सेल रिवर्स चार्ज यानी आरसीएम के अंदर शो कर दिया है, तो लाइबिलिटी हमारी 3B के अंदर नहीं बनेगी। देन आपको सही डिटेल फिल करने के बाद सेव कर देना, तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगी और आपकी इनवॉइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो GST R1 के अंदर, RCM के अंदर जो हमारी सेल है वो कैसे रिपोर्टिंग होती है। यहाँ पे हमारा एक इनवॉइस ऐड हो गया निराली एंटरप्राइज के नाम से। आप इनको देखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा, देन एडिट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इनवॉइस से ऐड किया था RCM के अंदर, वो हमारी ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी GST R1 में RCM की सेल की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।